अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मेरी दूसरी वीडियो में खुश आमदेद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का कि जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और स्पेशली उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने फ़ोन करके, टेक्स्ट करके, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, मैसेंजर पे भी अप्रिशिएट किया मेरी वीडियो को, इस चैनल को, और तजावीज़ दी कि किस तरह इस चैनल को इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि मैंने इस चैनल को क्यों बनाया है, और मुझे काफ़ी टेक्स्ट भी आए कि हम इंतज़ार करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो का, लोग जानना चाहते हैं कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया। जैसा कि काफ़ी लोग जो देखने वाले हैं वो जानते हैं कि इस साल फरवरी में मेरा नेफ्यू अकील, उसकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। एक बहुत बड़ा सदमा था सारी फैमिली के लिए, बिकॉज ही वॉज दी ओनली वन एंड ओनली। उसके ठीक एक हफ्ते बाद नसरुल्लाह भट्ट, उसकी डेथ होगी। 4 फरवरी को अकील की हुई थी एंड 14th ऑफ फेब नसरुल्लाह भट्ट की डेथ हो गई थी। तो इन दो डेथ्स की वजह से मेरे पे काफ़ी असर पड़ा। आई वुड से टू बी ऑनेस्ट आई वेंट टू डिप्रेशन, क्योंकि अकील की जो डेथ थी इट वाज ए सडन डेथ, लेकिन नसरुल्लाह भट्ट को हमने अपनी आंखों के सामने धीरे 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 हमने उसको मरते हुए देखा था। एंड बिकॉज ही वाज कुलीग, ही वाज ए नाइस गाय, तो मैंने काफ़ी असर लिया इन दो डेथ्स का। फिर तकरीबन एक माह पहले अली, जो मेरी नीस का हस्बैंड था, ही वाज ए यंग लैड, अभी 2 साल हुए थे उसकी शादी के, एक बेटा मूसा, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ होगी। तो दीज वर 3 डेथ्स इन ए रो कि जिनका मैंने काफ़ी ज़्यादा असर लिया। अब इसमें जो मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं आपको आई मीन सिटी सेंटर ना, मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप देख सकें तो आपको ये सामने ट्रैफिक लाइट्स नज़र आएंगी, जहाँ पे अभी एक ब्लू कलर की गाड़ी आके खड़ी हुई है ये सामने। तो इन ट्रैफिक लाइट्स पे मैंने अपनी गाड़ी को रोका ट्रैफिक लाइट्स पे, और उसके बाद आप लोग जानते होंगे जो लोग मेरे साथ ट्रैवल करते हैं या मेरे साथ इन टच रहते हैं कि मैं ऑलवेज च्युइंगम कैरी करता हूँ अपने साथ। तो मैंने एक च्युइंगम निकाला, अपने कुलीग को दिया, और एक च्युइंगम मैंने अपने मुँह में डाला। I don't know for some reason मेरी अचानक सांस बंद हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने विंडो को खोला ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर आए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे जो कलीग थे वो मेरी पीठ को सहला रहे थे कि माइट इट हेल्प टू गेट ब्रीथ, कि मुझे सांस आ सके, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी बिल्कुल सोचने समझने की जो सलाहियत थी वो चली गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस च्युइंगम को फेंकूं ताकि सांस बहाल हो सके। फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि च्युइंगम को तो मैं फेंकूं। मैंने डोर खोला, च्युइंगम फेंकी, पीछे से ऑफ कोर्स लाइटें जो है वो ग्रीन हो गई थी, तो पीछे से लोग हॉर्न दे रहे थे कि आप गाड़ी आगे मूव नहीं कर रहे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या सिलसिला चल रहा है। तो मुझे ये लगा, मुझे यूँ लगा कि आई एम अबाउट टू डाई। मैंने कहा शहजाद तुम्हारा काम हो गया। इन सडन फिर मुझे, चूंकि मेरे कुलीग काफ़ी परेशान हो गए थे, उन्होंने मेरी पीठ को सहलाया, और इंशाल्लाह सून मैं उनको भी एक वीडियो में लूंगा ताकि वो अपने तासरात बता सकें कि उनको क्या लगा कि क्या हो गया या क्या होने लगा है। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स लकीली मेरी सांस बहाल होगी और आई सर्वाइव्ड, और अभी मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के बात करूँ। तो इस वाक़े के बाद मैंने इसका बहुत ज़्यादा असर लिया। मैंने कहा हो सकता था कि मैं उस दिन मेरी डेथ हो जाती, मैं इस दुनिया में ना रहता। मैंने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया, मैंने कहा ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, ये चीज़ होने लगी थी मेरे साथ। तो मेरे जहन में कुछ चल रहा था कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। फिर मेरे जहन में इस चैनल का आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा चैनल बनाऊँ कि जहाँ पर लोग कुछ लेगेसी छोड़ सकें, कुछ अपनी ज़िंदगी की यादें छोड़ सकें। नसरुल्लाह भट्ट की मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि उसकी यूट्यूब वीडियो है, जो उसकी डेथ के बाद मुझे पता चली कि ही इज़ एक्स्ट्रा ऑन यूट्यूब, और मैंने उसकी वीडियोस देखी। तो कुछ है जो
उसका भाई, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसका फादर, उसके दोस्त कुछ देख सकेंगे यूट्यूब पे कि हाँ ये हमारा दोस्त था, ये हमारा बेटा था, ये हमारा कुलीग था, तो उनको वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी, उनको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, उनको उसका चेहरा सामने आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक दिस चैनल, कि लोगों को मौका मिल सके कि वो अपनी कुछ यादें अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए छोड़ जाएं जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे। मेरे नज़दीक या मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप सुबह उठें, काम पे जाएं, खाना खाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और फिर इस दुनिया से चले जाएं। मेरे नज़दीक ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप कुछ फलाह का काम करें, आप कुछ कम्युनिटी के लिए, आप कुछ सोसाइटी के लिए, आप कुछ दूसरे लोगों के लिए कुछ डिफरेंट करें, उनके काम आए। तो इसका मकसद जो चैनल का या जो रीज़न था मैंने इस चैनल को बनाने का, वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को इस्तेमाल कर सकें अपने प्यारों के लिए कुछ यादें छोड़ने के लिए। ये ना हो कि वो इस दुनिया पे आएं, काम करें, जॉब्स करें, बिजनेसेस करें और इस दुनिया से चले जाएं, वो कुछ यादें छोड़ के जाएं, कुछ डिफरेंट करके जाएं, कुछ अलहदा करके जाएं, अपने दिलों में अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़िंदगी के मकसद कहीं वो साथ ही लेके ना चले जाएं। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, आप काफ़ी सीरियस सी सिचुएशन बन गई है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ आएँ, आप लोगों की वीडियोज़ आएँ, आप लोगों के तावन से आएँ कि जिसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हों, खाली सीरियस चीज़ें डिस्कस ना हों, फन भी हो, जोक्स भी हों, आप लोग अपनी चीज़ें आके यहाँ पे शेयर करें। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आप लोगों के कमेंट्स चाहिए होंगे, आप लोगों की सजेशन चाहिए होंगी कि क्या चीज़ है जो आप लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि वो दुनिया के सामने आए, आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ हो कि जो आप बताएं। हो सकता है कि आपके कुछ अल्फाज, आपके कुछ जुमले जो हैं वो किसी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें, किसी की ज़िंदगी बदल सकें। तो एट द एंड आप लोगों की इस वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगेन मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस दुनिया पे आए हैं, इस दुनिया में कुछ करके जाएं, कुछ पॉजिटिव करके जाएं, कुछ लोगों के लिए करके जाएं, कुछ बिल्ड करके जाएं, कुछ लेगेसी बना के जाएं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई फेसबुक एक्सपर्ट, वीडियो एक्सपर्ट, यूट्यूबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ कि इस चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। और मुझे पूरे यकीन है कि बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले होंगे या जिनके पास ये वीडियो फ्यूचर में जाएंगी होंगे कि जो कहेंगे हाँ ठीक है, हम इस वीडियो, इस चैनल पे हम चलते हैं, हम ये चीज़ शेयर करते हैं एज ए लेगेसी। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैं यहाँ पे भी इनिशियली नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने वीडियो देखी तो उन्होंने कहा जी हम ये आके बताना चाहते हैं इस चैनल पे। तो मैंने कहा वेट फॉर दी सेकेंड वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में लोगों के पास एक मैसेज चला जाए, और मेरा काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, बाकी आप लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे, आप कमेंट करेंगे कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले कौन आना चाहता है, तो मैं फिर आप लोगों के पास आऊँगा, हम बैठेंगे, वी विल डिसाइड व्हाट टू शेयर, हाउ टू शेयर, व्हेन टू शेयर। तो आखिर में आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल सके फ्यूचर में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।